बच्चों कैसे हैं आप। आज हम एक बहुत मजेदार उछलती कूदती फुदकती कविता पढ़ेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं उछलती कूदती कविता क्यों कह रही हूँ, इसलिए क्योंकि यह एक बंदर की कविता है जो उछल कूद करता रहता है। तो पढ़ें, तो चलिए देखिए पाठ 13। बंदर गया खेत में भाग। बंदर गया खेत में भाग, चुट्टर मुट्टर तोड़ा साग, आग जलाकर चट्टर मट्टर साग पकाया खद्दर बद्दर, सापड़ सुपड़ खाया खूब, पोछा मुंह उखाड़ कर धूप, चलनी बिछा ओढ़ कर सूप, डटकर सोए बंदर भूप। अब ये जो कविता है बेटा, इसका अर्थ देखते हैं। चलिए, एक बंदर है, वो बड़ा शरारती है। वो एक दिन एक खेत में घुस गया और खेत में जाकर सब्जी तोड़ दी और वहां फटाफट आग जलाकर झटपट झटपट साग यानी सब्जी बना ली और उस सब्जी को खूब पेट भर कर खाया। और वहां उगी घास, एक खास प्रकार की घास होती है जिसे दूब बोलते हैं, उसे उखाड़ कर मुंह पोछ लिया। वहां रखी चलनी और सूप, चलनी को बिछाकर और सूप ओढ़ कर भूख नामक यह बंदर सो गया। अच्छा, इस कविता में धूप, चलनी व सूप जैसे शब्द हैं, इनका आपको अर्थ पता है? चलिए बताती हूँ आपको। धूप एक विशेष प्रकार की घास होती है जो मंदिर में पूजा पाठ में भी प्रयोग की जाती है, इसे पवित्र माना जाता है। फिर जो सूप और चलनी शब्द आया है, इसमें देखिए, हम इनसे हम अनाज जैसे गेहूं चावल साफ करने के लिए प्रयोग करते हैं। आया समझ में? अच्छा, अब इसी प्रकार का अभ्यास कार्य देखते हैं। बंदर जो छोटा होता है वो तो सूप और छन्नी के साथ सो गया, किंतु हाथी हाथी जैसे कैसे सोएगा आपको ये बताना है। साथ ही अन्य नाम भी हैं, अन्य नाम भी दिए गए हैं आपको, उनको भी बताना है। अब कुछ विशेष कार्य जिसमें आपको इनके तरीके व आवाजें बतानी है, जैसे साग पकाया खद्दर बद्दर, इसी प्रकार अन्य लिखे। अब आई भागने की बारी। बंदर तो खेत से साग तोड़कर भागा। आप कौन कौन सी काम करने के बाद भागते हो, लिखिए। अब अगले प्रश्न में देखिए, आपको टोपी और पगड़ी में अंतर पहचानना है और लिखना है कि कितनी टोपी है और कितनी पगड़ी है, ठीक है? तो आप ये अंतर पहचानिए और लिखिए। हम मिलेंगे फिर अगले पाठ के साथ।